इससे पिछले का जो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो था वो आप लोग देख चुके होंगे क्या? अभी तक में अगर कोई समस्या है तो बोलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नितिन, नो सर, नहीं है। एक्चुअली टू ट्रेड का एक एग्जांपल दीजिए। किसका सर? किसका सर? एक्चुअली टू ट्रेड। वेयर हाउसिंग, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, और फिर आपका ये इंटरनेट। मेरा इंटरनेट कौन है? नहीं सर, इंटरनेट, वाईफाई, वाईफाई, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इसको कह सकते हैं। इंटरनेट क्या इसको कहेंगे? कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। क्या तो आप बताइए, हर पीठ टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई ऐसा सर्विस जो बिजनेस में हेल्प करता हो? टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसा कोई बिजनेस है जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? बहुत है, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, अलीबाबा, क्या पेफोन, पेटीएम, गूगल पे, भीम, फोन पे, क्या कितना बहुत सा सारे टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड? टेक्नोलॉजी पे ना? क्या तो ये सर एक्चुअली टू ट्रेड ना, ये सारे चीज क्या करते हैं बिजनेस में? फिनांस और कैपिटल रिलेटेड जो हिंड्रेंस होता है उसको क्या करता है? दूर करता ना। पेमेंट करने के लिए हम लोग इन मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे आपका डेबिट कार्ड हुआ, उससे बिजनेस एक्टिविटी को बेनिफिट मिलता है। लार्ज अमाउंट में अगर कहीं हमको ट्रांसफर करना हो तो क्या करते हैं? कैश कैरी करते हैं। कैश कैरी करना क्या है? खतरनाक, डेंजरस, कोई भी कुछ सटाएगा, कहेगा जितना है सब निकालो पास में, क्या ना? तो इससे प्रॉब्लम होता था। और बहुत सारा हम लोग जब 12th में पढ़ेंगे मनी चैप्टर, तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम हुआ जिससे मनी का क्या होते, क्या डेवलपमेंट होते ना। और हम लोग अभी कैशलेस ट्रांजेक्शन किसमें है? कैशलेस। अभी हमारा जो इकोनॉमी है वो कैसा है? कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस ट्रांजेक्शन हम लोग अभी करते हैं, क्या? चलिए, तो बहुत सारी पिछली चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, और आपने अगर देखा होगा सालनी प्रीवियस वाला वीडियो सब, तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो डील करेंगे। अभी का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या है? हाँ, आप जब गूगल क्लास बता। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ना? हर किसी एक्टिविटी का एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या आप यहाँ पढ़ने आए हैं, इसका एक ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? क्या नाम हो आपका? सुधांशु। क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका यहाँ पढ़ने आए हैं तो? क्यों आए हैं यहाँ पढ़ने? समझने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। क्या इस लॉकडाउन में सारे लोग घर बैठे हुए थे लेकिन पढ़ाई क्या हो रही थी? छूट रही थी। तो यहाँ आए हैं क्यों? पढ़ाई करने के लिए। क्या हरप्रीत यहाँ आए एसी में बैठने के लिए? क्या हरप्रीत का ऑब्जेक्टिव? हाँ, एसी का लाभ उठाने। हरप्रीत को लग रहा है कहीं और एसी का सुविधा नहीं है तो यहाँ एसी का सुविधा लिया जाए, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या? चलिए, तो कहता है क्या कि एन ऑब्जेक्टिव इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होगा, स्टार्टअप लेगा, तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्या अवश्य होता है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं। कहता है एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। हर बिजनेस एक्टिविटी क्या करता है? कुछ ना कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव को क्या करता है? अचीव करने का कोशिश करता है। विच रेफर टू ऑल दैट द बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू। यानी जो बिजनेस में इन्वॉल्व लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो क्या, व्हाट दे डू, वो जो करते हैं क्या वो कर रहे हैं, और उसके बदले में उनको रिटर्न क्या चाहिए। यही होता है ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव है ना, बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सा कार्य कर रहे हैं, और उस कार्य के बदले उनको क्या चाहिए, यही क्या कहलाता है? ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है ना, कोई दिक्कत? चलिए, कहता है इट इज जनरली बिलीव दैट बिजनेस एक्टिविटी इज कैरीड ऑन ओनली फॉर प्रॉफिट। जनरली हम लोग ये मानते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी किया ही जाता है किसके लिए? प्रॉफिट अर्निंग। माइक किन्हीं का ऑन है? माइक ऑन करिएगा जब कुछ पूछना होगा तो।
क्या हम लोग देखते हैं, हम लोग जनरली देखते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज कैरी किया जाता है किसके लिए, ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इसलिए की ही जाती है कि प्रॉफिट अर्न किया जा सके, नहीं? या कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है उसका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है टू अर्न प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए किसके बराबर है, एक बार बताए कि याद करिए, बिजनेस के लिए ये ब्लड के बराबर। जैसा ह्यूमन बॉडी में आदमी के शरीर में जितना इंपोर्टेंस ब्लड का है उतना ही इंपोर्टेंस बिजनेस में किसका है, फिनांस का, यानी प्रॉफिट का। क्या अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसके बहुत सारा क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। आगे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में आया कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव का, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, और हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसी सर्टेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करता है, वर्क करता है। जैसे कोई हॉस्पिटल, उसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कोई हॉस्पिटल उसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, मरीजों को गलत गलत इलाज करके जितना ज्यादा ज्यादा पैसा हो वहां कमाना, ये ऑब्जेक्टिव होगा ना, ये ऑब्जेक्टिव होगा ना। आगे यही चीज पढ़ रहे हैं। ये तो सही है कि अस्पताल का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई पैसा कमाएगा तब तो अस्पताल चलेगा, लेकिन उसका सबसे पहला टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए क्या, सर्विस मोड, क्या करना, बेहतर इलाज करना। किसी स्कूल का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट का, किसी मंदिर का, किसी मंदिर का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पूजा पाठ का व्यवस्था करवाना क्या ना? तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है और उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वर्क करती है। तो हम लोग जनरली ये मानते हैं कि कोई भी जो बिजनेस एक्टिविटी होती है वो किसके लिए, प्रॉफिट मोटिव से होती है। कोई भी बिजनेस मोटिव होगा वो इसलिए होता है कि उसमें प्रॉफिट अर्न किया जा सके। हम लोग इतना जानते हैं। कोई दिक्कत यहां तक में, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? नितिन? नो सर, नो सर। चलिए, नो सर। फिर देखिए, कहता है दैट देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स और सर्विसेज फॉर अ प्रॉफिट। किसी भी बिजनेसमैन का या बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रोड्यूस करना या डिस्ट्रीब्यूट करना क्या, गुड्स और सर्विसेज, किसके लिए, फॉर अ प्रॉफिट। क्या जोमेटो वाला क्या करता है, जोमेटो का क्या सर्विस उसका साइकिल है, क्या उसका सर्विस साइकिल उसका ये है कि किसी रेस्टोरेंट से क्या किया, गुड्स उठाया और प्रॉफिट मार्जिन के साथ आप तक पहुंचा। क्या उसको कुत्ता नहीं काटा है कि जितना दाम उठाया उतना दाम आपके घर पे पहुंचाया, उसको समाज सेवा का शौक नहीं, समाज सेवा का शौक है क्या? रेस्टोरेंट से अगर वो 40 रुपया उठाएगा तो आपसे 60 रुपया चार्ज करेगा, और हम लोग भी क्या करते हैं, देते हैं, तब तो वो कंपनी काम कर रही है। अगर हम लोग नहीं, 40 रुपया मिलता हाफ प्लेट चाउमीन, आपको देंगे 60 रुपया, तो कहेगा ठीक है घर से उठ के जाइए रेस्टोरेंट में खा लीजिए, तो सर्विस नहीं देंगे। वो रेस्टोरेंट से घर तक आने का जो उसका वर्क है उसी का तो चार्ज कर रहा है, उसी सर्विस का तो चार्ज कर रहा है, सिंपल बात। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, या तो प्रोड्यूस करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसके लिए, प्रॉफिट मोटिव। कोई दिक्कत? कहता है एवरी बिजनेस इज सेड टू बी एन अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस पीपल टू गेट मोर देन व्हाट हैज बीन स्पेंड और इन्वेस्ट। कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज हमेशा यही चाहता है कि उस बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया गया हो या स्पेंड किया गया हो, जो खर्च किया गया हो या जो इन्वेस्ट किया गया हो, उससे क्या हो, मोर, यानी उससे ज्यादा रिटर्न आए। कोई भी बिजनेस एंटिटी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि जितना उसने इन्वेस्ट किया है या जितना उसने स्पेंड किया है उससे क्या हो, ज्यादा हमको क्या मिले, आए, प्रॉफिट आए। कोई दिक्कत? चलिए, इन अदर वर्ड, टू अर्न प्रॉफिट विच इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। प्रॉफिट को एक ही लाइन में हम लोग कर सकते हैं, रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, यानी कॉस्ट से जब ज्यादा आएगा वो होगा रेवेन्यू, और वही रेवेन्यू बनता है प्रॉफिट। यानी हमको जितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है अगर उससे ज्यादा आया तो वो कहलाता है रेवेन्यू, और रेवेन्यू को दूसरे टर्म में हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। कोई दिक्कत? सालनी, आपको समझ में आ रहा है सब? यस सर। Next, however, it is a widely accepted nowadays that business enterprises are part of society and need to have several objectives. लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जितना भी business activities है वो क्या है, part of society. क्योंकि वो society के लिए ही काम करती है, society के साथ काम करती है, ना? Society के लिए और society के साथ। कोई business में जो goods
या सर्विसेज का प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन करता है किसके लिए? सोसाइटी के लिए। और उसमें कौन लोग काम करते हैं? सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि एप्पल कंपनी में मंगल ग्रह का आदमी काम करता है क्या, और टाटा में बुध ग्रह का आदमी, ऐसा है क्या? नहीं। या सीए गुरुकुल में अमेरिका से कोई प्रोफेसर पढ़ाने आता क्या? ये तात्कालिक हो भी सकता है, लेकिन कोई भी बिजनेस इंटरप्राइजेज या बिजनेस एंटिटी किससे बनती है? सोसाइटी से बनती है, सोसाइटी के लिए बनती है। फॉर सोसाइटी विथ द सोसाइटी, फॉर सोसाइटी एंड क्या। हरप्रीत किसको सामान बेचते हैं? गाय भैंस कुत्ता बिल्ली अकरम बकरम, तो आदमी को क्या? आपका गेहूं चावल आटा दाल तेल मसाला कौन खरीदने आता है? सोसाइटी के लोग आते हैं, यानी आदमी आते हैं, ह्यूमन बीइंग ना। ये आया तक समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत। इंक्लूडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सर्वाइव एंड प्रॉस्पर इन द लॉन्ग रन। लेकिन बिजनेस को ज्यादा दिन तक सर्वाइव करने के लिए और ज्यादा समय तक चलाने के लिए क्या करना होता है? उसको क्या करना होता है? सर्वाइव और ग्रोथ के लिए कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसको फॉलो करना पड़ता है। अगर बिजनेस एंटिटी को ज्यादा दिन तक क्या करना है? रखना है, ज्यादा दिन तक चलाना है, ज्यादा उसको क्या बनाना, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या? जैसे बाढ़ आया, कोरोना आया, तो बड़े बड़े जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं? डोनेशन दे रहे हैं। पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री जो आपदा फंड है उसमें क्या कर रहे हैं? तो क्या उनको कोई पागल कुत्ता काटा है क्या? कुछ दे रहे हैं फ्री में चंदा सोसाइटी के लिए, क्योंकि आगे वो प्रॉफिट सोसाइटी से ही कमाने वाले हैं। जब सोसाइटी नहीं रहेगा तो कहां का प्रॉफिट और कहां का बिजनेस? क्या अगर सब लोग कोरोना से खत्म हो जाए, हमको छोड़कर कोई नहीं बचे, तो बिजनेस होगा ही नहीं ना। बिजनेस एंटिटी खत्म हो जाएगा, कोई लोग ही नहीं बचेंगे, तो सामान किसको बेचेंगे? हम ही बनाएंगे और हम ही खाएंगे। अरे कोरोना से सब मर गए, हम ही जिंदा है बस। तो ये अगर हम समोसा का ठेला लगा लिए चट्टी चौक पर, तो क्या वो बिजनेस एक्टिविटी होगा? हम अल्लाह कहते हैं समोसा ले लो, समोसा ले लो, कोई आएगा ही नहीं भाई, हम ही अकेले हैं, अपने खाओ और अपने बेचो ना। तो कोई बिजनेस एक्टिविटी, तो कहता है कि जब अगर बिजनेस को लॉन्ग रन में सर्वाइव करना हो या लॉन्ग रन में चलाना हो, तो उसको कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसको फॉलो करना चाहिए। कोई दिक्कत? लास्ट लाइन देखिए, कहता है प्रॉफिट इज फाउंड टू बी द लीडिंग ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट इज फाउंड टू द लीडिंग ऑब्जेक्टिव बट नॉट द ओनली वन। प्रॉफिट कमाना सबसे लीडिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना ये नहीं कहा जा सकता। ये लाइन समझ में आया? Yes, क्या नितिन आपको ये लाइन समझ में आया? नितिन क्या क्या करा ये लाइन कह रहा है? कुछ सारा सोशल नहीं, ये लास्ट वाला भी करना चाहिए। लास्ट वाला लाइन कर रहे हैं ये, प्रॉफिट इज फाउंड टू बी द लीडिंग ऑब्जेक्टिव बट नॉट द ओनली वन। सर ये कह रहा है सो प्रॉफिट लेना जो होता है बिजनेस का, वो एक मतलब रहना चाहिए, एक मोटिव रहना चाहिए, सो प्रॉफिट लीडिंग मोटिव है, एक मोटिव है, कोई जनरल मोटिव नहीं है, लीडिंग मोटिव है, क्योंकि उसके बाद सारा कुछ डिपेंड करेगा प्रॉफिट पे। हम किसी को चंदा कैसे देंगे अपने कैपिटल में से? क्या कोई आदमी हमसे चंदा मांगने आएगा दुर्गा पूजा का क्या? तो उसको रामनवमी का चंदा मांगने आएगा तो उसको अपने जेब से पैसा देंगे कि प्रॉफिट होगा तभी उसी में से देंगे? सोसाइटी है ना, है सोसाइटी के लोग ही ना आ रहे चंदा मांगने, कि मंगल ग्रह का आदमी तो नहीं आ रहा है चंदा मांगने, सोसाइटी के लोग आ रहे हैं, और कब दे सकते हैं? जब प्रॉफिट होगा तब तो देंगे। तो प्रॉफिट तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही हो ये नहीं हो सकता। आप समझ में आया? यस सर। चलिए शालिनी आपको समझ में आया क्या? यस सर। क्या बोलिए? इलीगल प्रोसेस का यूज करने, गलत तरीकों का प्रयोग करने, जैसे मिलावट का सामान क्या ना, जैसे किराना दुकान सब में मिलावट का सामान बिकता है ना, दवाई दुकान सब में डुप्लीकेट सामान बिकता है, एक्सपायरी डेट वाला सामान किराना दुकान सब में बिकता है, ये कॉमन है, हम किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहे, लेकिन बहुत सारे किराने दुकान में जैसे हल्दी है तो खाली हरा रंग बिकता है क्या, बहुत सारा सामान है ना ऐसा, जैसे तेल है तो ऊपर में लिखा है स्कूटर छाप तेल और नीचे में हो सकता है अंडी का तेल हो, कुछ भी हो सकता है क्या? तो ये क्यों? क्योंकि हमको प्रॉफिट अर्न करना, अब जैसे भी आदमी सामने वाला मरे खाए जिए उससे हमको कोई मतलब, सामान बेच करके और प्रॉफिट क्या करना, अर्न करना।
तो कह सकता है कि किसी बिजनेस इंटरप्राइजेज का ये प्रायोरिटी हो सकती है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करे ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। चलिए आगे तथा ऑल्दो अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा अर्निंग प्रॉफिट, इट्स इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, लेकिन प्रॉफिट के इंपॉर्टेंस को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। क्या प्रॉफिट के इंपोर्टेंस को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं? एवरी बिजनेस इज एन अटेम्प्ट टू रीप मोर देन व्हाट हैज बीन इन्वेस्टेड एंड प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि हर बिजनेस इंटरप्राइजेज ये चाहता है कि जितना उसने इन्वेस्ट किया है या जितना उसने स्पेंड किया है उससे ज्यादा उसको क्या हो, आय। यह हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव हो सकता है। और कैसे हम प्रॉफिट को मेजर करेंगे? रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। क्या चलिए उसके बाद, प्रॉफिट में बी रिगार्डेड एज एन इसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर वेरियस रीजन। आखिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट क्यों अर्न करना, क्या तो ये अभी हम लोग डिफरेंट रीजन देखेंगे जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। यानी अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करता है तो ये सारा रीजन पूरा नहीं होगा। क्या जैसे फर्स्ट, इट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन। प्रॉफिट क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है। मान के चलिए 1,00,000 रुपया हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए और 1,00,000 रुपया ही रिटर्न आया, तो क्या कोई प्रॉफिट हुआ? मेरा कोई इनकम है? कोई इनकम नहीं, जीरो इनकम। तो क्या आगे हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं सरवाइव कर पाएंगे, बहुत जल्द एंटिटी क्या हो जाएगा, खत्म। क्या चलिए नेक्स्ट, दूसरा, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस। अगर हम बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, उसका एक्सपेंशन करना चाहते, उसको बढ़ाना चाहते ना। जैसे कि हम ले लेते हैं सी गुरुकुल का एग्जांपल। पहले हम लोग का ऑफलाइन क्लास चलता था तो सारा सेटिंग अरेंजमेंट था, उसके बाद हम लोग आए कहाँ, ऑनलाइन सिस्टम में। तो ऑनलाइन सिस्टम में हमको क्या करना था, कुछ ऐसे रिसोर्सेज थे जिसकी व्यवस्था करनी थी, जैसे वेबकैम का व्यवस्था करना था, कंप्यूटर लैपटॉप का व्यवस्था करना था, स्क्रीन का व्यवस्था करना था। तो ये सब कहाँ था, क्या हम अपने कैपिटल में से निकालते क्या? तब तो हम लॉस में जाते। जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेगा तब तो ये सारी चीजें करेंगे। क्या प्रॉफिट अर्न करेगी तब हम कैमरा लिए, लैपटॉप लिए, या इंटरनेट का जो कनेक्शन हुआ वो आया, ये सारे एक्सपेंस कैसे आए? जब प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी तो। क्या कोई दिक्कत, इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, इट इंडिकेट्स द इफिशियंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब है कि बिजनेस इफिशियंट मोड में काम कर रहा है, यानी जहां क्या है, कॉस्टिंग कम है और प्रॉफिट का मार्जिन ठीक ठाक है। क्या चलिए नेक्स्ट, इट कैन बी टेकन एज सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ यूटिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर हम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इसका मतलब है कि सोसाइटी हमको क्या दे रही है, वैल्यू दे रही है, हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। अब कोई सिंपल सा समोसा वगैरह बेचने वाला होता है, जैसे जैसे उसका प्रॉफिट बढ़ता है इसका मतलब पब्लिक क्या कर रही है, कंज्यूमर उसको क्या कर रहे हैं, पसंद कर। जैसे जैसे सी गुरुकुल में स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, लोग सीए गुरुकुल को क्या कर रहे हैं, पसंद कर, इसलिए तो संख्या बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि हरप्रीत की तरह लोग हर ऐसी कहावा खाने के लिए आते, नहीं, उसकी यूटिलिटी का क्या करते हैं, यूज कर। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट लास्ट, इट बिल्ड्स अप द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजिंग। अगर हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो जो सोशल वर्क है वो कर सकते हैं, रामनवमी का चंदा मांगने आएगा तो दे सकते हैं ना। तो जो बिजनेस एंटरप्राइज का रेपुटेशन है वो भी क्या होगा, बना रहेगा, कहेगा कि हरप्रीत के यहाँ किराना दुकान जाते हैं तो 1,00,000 से कम चंदा मिलता ही नहीं, बहुत बड़ा रेपुटेशन है। क्या तो कोई सोसाइटी वाला कोई प्रोग्राम होता है, रामनवमी हो, कृष्णाष्टमी हो, दुर्गा पूजा हो, तो इसके यहाँ चंदा का रसीद लेके पहुंचे, इसके पिता इतने बड़े दिल वाले आदमी के कहते हैं खाली अमाउंट भरिए, उतना हम देने के लिए तैयार। तो कैसे कहते, जब प्रॉफिट नहीं अर्न करते हैं तो कैसे कहेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं अर्न करते तो क्या कहते, तो ठीक है लीजिए 1,000 रुपया मेरे तरफ से भगवान को कहिएगा प्रणाम, अभी इतने क्षमता। लेकिन प्रॉफिट अर्न हो रहा है कहेंगे भर लीजिए जितना आपको भरना, क्या ये कैसे होगा, जब प्रॉफिट नहीं हम करेंगे तो ये इसको पूरा कर पाएंगे क्या? एक बार देखिए क्या क्यों जरूरी है बिजनेस के प्रॉफिट अर्न करना। चलिए क्या है, हम लोग पहला क्या देखे थे, क्यों जरूरी है प्रॉफिट बिजनेस के लिए, तो सबसे फर्स्ट क्या देखे थे, इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। क्या ये सोर्स ऑफ इनकम है, किसके लिए, बिजनेस के लिए। दूसरा प्रश्न दूसरा देखे थे,
इट कैन बी सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस को हमको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए प्रॉफिट क्या है, जरूरी है. उसके बाद देखे थे इट इंडिकेट्स द इफिशियंट वर्किंग ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इसका मतलब बिजनेस एंटरप्राइज क्या कर रहा है, इफिशियंट वर्क कर रहा है. उसके बाद क्या देखे थे, इट कैन बी सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ यूटिलिटी. इसका मतलब सोसाइटी क्या कर रही है, आपके बिजनेस को अप्रूव कर रही है, पसंद कर रही है, इसलिए प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. और लास्ट में क्या देखे थे, इट बिल्ड्स अप द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज. तब ना एक CSR होता है, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या, तो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर समाज किसी तरह से फंसा हुआ है, किसी प्रॉब्लम में है, तो क्या करते हैं, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री वाला हम लोग देखे ना, कोरोना के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि लोग जो बिजनेस मैन है वो डोनेशन दीजिए. देखिए बहुत सारा डोनेशन आया, 100-100 करोड़ तक का डोनेशन आया. क्या ना, 100-100 करोड़ तक का डोनेशन आया ना. इसी बात पर हमको एक चुटकुला याद आ गया कि भारत के बिजनेसमैन सब जब पैसा दे रहे थे इतना प्रधानमंत्री फंड में, तो पाकिस्तान में चर्चा हुआ ये सब झूठे कहता है, इतना 100 करोड़ रुपया होता है, 100 करोड़ रुपया हम लोग देखे भी नहीं. यानी पाकिस्तान का जो GDP या इकोनॉमी है वो एकदम टीचर हालत में. क्या, जब वो सुना कि भारत में ऐसा ऐसा बिजनेसमैन है जो 100-100 करोड़ दे रहा है, पूरे पाकिस्तान का जो GDP है वो 500 समथिंग बिलियन डॉलर, 500 समथिंग, और एक अकेले टाटा का है सिर्फ 800, सिर्फ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी. और उसमें भी अगर अभी मुकेश अंबानी को जोड़ दें तो वर्ल्ड का 4th richest में, जो इस साल में मार्क जुकरबर्ग को क्या करेगा, पीछे छोड़ दे, यानी 2021 में वर्ल्ड का 3rd बन जाएगा. ऐसा हो चुका क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस का क्या है, टाइप हो चुका. और दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन आने वाली है व्हाट्सएप से, जो आपका बिजनेस किराना स्टोर सब है वो लोकल किराना स्टोर जुड़ेगा आपकी व्हाट्सएप से, यानी व्हाट्सएप पेमेंट सुविधा दे रही. और आने वाले भविष्य में मुकेश अंबानी, इस 2020 में सब लोगों की संपत्ति घटी और मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़ी. क्या, 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा एसेट वो ऐड कर चुका है. क्या सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग उसका रहा है फाइनेंशियली ना. तो कहता है कि ये बिजनेस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब कोरोना है तो सभी लोग अंदर क्या है, जैसे कि मजदूर सब आ रहे थे तो देखेगा बहुत सारे लोगों ने बिस्कुट बांटा, पानी का बोतल बांटा ना. ये क्या है, सोसाइटी के प्रति हमारा क्या है. जैसे हमारे इधर बाढ़ आता, अभी भी बाढ़ आया, हर साल बाढ़ आया, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ खाने पीने का सामान, या नाव दे दिए, या पॉलीथीन दे दिए, पैसा दे दिए. ये क्या है. अब जैसे अर्पित के यहाँ जाएंगे, कहेंगे हनुमान नगर में बाढ़ आया है, हम लोग जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने, आप कुछ मदद कीजिए, तो हरप्रीत के पापा 1,000 पार्ले जी का बिस्कुट दे. क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपनी तरफ से जहां जिस तरह से हो सकता है वो क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं. क्योंकि सोसाइटी रहेगी तो फिर तब उसका उनका पार्ले जी बिकेगा. सोसाइटी रहा नहीं करेगा, पार्ले जी रखा जाएगा. क्या, तो ये क्या है, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे लास्ट क्या है, इसका रेपुटेशन क्या होता, बढ़ता. क्या, अब जैसे हम लोग सीए गुरुकुल की तरफ से कोई कैंप लगा दें कि चलिए बाढ़ पीड़ित के लिए 10 दिन का हम लोग खाना देना है सीए गुरुकुल की तरफ से. क्या, तो सीए गुरुकुल को तो कोई सपना नहीं आया था कि जाकर के खिलाओ, लेकिन इससे क्या बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़. लोगों को जब पता चलेगा कि नहीं, सीए गुरुकुल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो क्या कर रही है, खाना खिला रही, तो उसमें तो खर्च ही है ना, लेकिन इससे क्या फायदा हो रहा है, गुडविल बढ़ रहा है, रेपुटेशन बढ़. समझना है, क्लियर. और अगर सीए गुरुकुल को आप लोग फीस नहीं देते तो क्या सीए गुरुकुल जाकर खाना खिलाता, तब तो पता चलता कि एकाध कट्ठा कहीं जमीन बेच करके होता खाना खिला रहे, तो यही प्रॉफिट होता है. फीस दे रहे हैं, प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं. क्लियर. समझ आया. और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा उदाहरण ये भी है कि इस कोरोना लॉकडाउन में हम लोगों ने पहले कोई फीस चार्ज नहीं किया, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सारे गार्जियन स्टक थे, अपने अपने घरों में बैठे थे, तो किन्हीं का कोई इनकम नहीं था, तो हम लोगों ने 2 महीना क्या दिया, 3 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट, 4 महीना हम लोगों ने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई दी, उसका कोई चार्ज नहीं था. ये भी किस में आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ है ना, फीस को अगर कैलकुलेट करें तो 4 महीने का फीस तो सॉलिड गया, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं लेकिन हमने फीस नहीं लिया. ये भी किस में आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इससे भी रेपुटेशन इंस्टीट्यूट का क्या होगा, बढ़िया. अब समझ में आया, कहीं कोई चर्चा करेगा कि बस सीए गुरुकुल 4 महीना फीस नहीं लिया था, तो दूसरा आदमी सुनेगा तो सीए गुरुकुल के प्रति उसके मन में कैसी भावना आएगी, पॉजिटिव भावना आएगी, वो बहुत अच्छा आदमी जिसका भी है संस्थान. क्या, तो संस्थान का भी रेपुटेशन बनेगा और उसके जो प्रमोटर है. हाँ हाँ, क्या जैसे आप नितिन, आपको कहीं से मिला था इसका एडवाइस न, कहीं से आपको मिला था, और कंटिन्यू क्लास उनका चला है और उन्होंने कोई फी चार्ज नहीं किया गया है. क्या, ये क्या सही बात है ना. यस सर. चलिए.
क्लियर यहाँ तक में? चल सालनी आपको कोई दिक्कत यहाँ तक में? इस पांचों छह पॉइंट में कोई दिक्कत है आप लोगों में? स्किनी को अच्छा है? नो सर नहीं है। इस पांचों पॉइंट में कोई समस्या? नो सर। तो कल हम पूछेंगे कि प्रॉफिट का क्या रिस्पांस है वो आपको बताना पड़ेगा। कोई दिक्कत आगे बढ़े आपको कोई दिक्कत इस पॉइंट में? अरे सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली सोचिए ना कि प्रॉफिट क्यों जरूरी है। प्रॉफिट आएगा तभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करेंगे निभा पाएंगे। अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपका नीड पूरा होगा, नीड पूरा करते करते ही आप खत्म हो जाएंगे। क्या सैलरी से हम क्या कर सकते हैं? नीड पूरा कर सकते, इच्छा नहीं पूरा कर सकते। क्या मोटरसाइकिल पर घूम सकते हैं लेकिन अगर चाहेंगे बीएमडब्ल्यू और घूमना तो वो पॉसिबल, क्योंकि सैलरी लिमिटेड। क्या लेकिन अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है एक साल दो साल चार साल पांच साल क्या कभी ना कभी किसी कहीं ना कहीं तो जरूर अचीव कर लेंगे। क्या सिंपल? तो ये कब होगा? जब प्रॉफिट अर्न होगा तब। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट वाला सीन तो हम लोग समझ गए कि प्रॉफिट क्यों अर्न है और क्यों जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं क्या सिंपल देखते हैं हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्या आई कहता है। कंटिन्यूअस इंक्रीजेज इन द प्रॉफिट ऑफ एनी इंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली थ्रू परफॉर्मिंग यूजफुल सर्विसेज टू सोसाइटी। अगर हम किसी सोसाइटी को उसके रिलेटेड सर्विस अगर दे रहे हैं इसका मतलब हम कंटिन्यू क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड इन एवरी एरिया दैट इन्फ्लुएंसेस द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस के सर्वाइवल और बिजनेस के ग्रोथ के लिए क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है जरूरी है। कहता है सिंस अ बिजनेस हैज टू बैलेंस इन नंबर ऑफ नीड्स एंड गोल्स इट रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। एक बिजनेस क्या करता है अपने नीड को और अपने गोल को क्या करता है सेट करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कहता है इट कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्ट टू अचीव एक्सेलेंस। इसका सिर्फ कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं है जिसको फॉलो करना है, बहुत सारा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है जिसको बिजनेस को क्या करना फॉलो करना है। ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी स्पेसिफिक इन एवरी एरिया एंड स्पेयर ऑफ बिजनेस। अलग अलग जो बिजनेस एंटिटी होती है उसका अलग अलग क्या होता है ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है और बिजनेस के साइज पे भी क्या करता है ये डिपेंड करता है। कहता फॉर एग्जाम्पल सेल्स फिगर्स हैव टू बी सेट, द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड हैज टू बी एस्टिमेटेड एंड द टारगेट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस शुड बी डिफाइंड। यानी एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है क्या बढ़ाना सेल्स बढ़ाना, तो सेल्स बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह करना पड़ेगा क्या, और रॉ मटेरियल जब वो फाइनल गुड्स बनेगा तो उसके मार्केटिंग के लिए भी क्या चाहिए फंड चाहिए, तब तो सेल्स बढ़ेगा। एक ऑब्जेक्टिव भी होगा हमको सेल्स बढ़ाना है, तो सेल्स बढ़ाना तो उसके साथ जो और को रिलेटिंग एक्टिविटीज है वो क्या होगी बढ़ेगी। समझ में आया? द ऑब्जेक्टिव डिफाइंड व्हाट द बिजनेस इज गोइंग टू डू इन एंड क्रिएट टर्म्स दैट इनेबल द बिजनेस टू एनालाइज देयर ओन एक्सपीरियंस एंड एज अ रिजल्ट इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। यानी बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव सेट होता है अगर उस ऑब्जेक्टिव को बिजनेस क्या कर रही है अचीव कर रही है तो बिजनेस को अपने एक्सीलेंस और परफॉर्मेंस का पता चलते रहता है। तो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, जैसा जैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबका अपना ऑब्जेक्टिव होता है। सेम नेचर वाले बिजनेस का सेम ऑब्जेक्टिव होगा, डिफरेंट नेचर का होगा तो अलग ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे हम लोग हॉस्पिटल और स्कूल का लेते हैं ना, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या अलग अलग है और दोनों को उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का टेक्निक भी क्या होगा अलग अलग ना। अब जैसे हमको सीए गुरुकुल में बच्चों की संख्या बढ़ानी तो उसके लिए अलग टेक्निक होगा, उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा बच्चों के बीच में क्या ना, और किसी को सामान बेचना है तो उसको सामान बेचने के लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा क्या। हम मेरा मार्केटिंग का स्ट्रेटजी दूसरा होगा और सामान बेचने वाले का मार्केटिंग का स्ट्रेटजी, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वो क्या करेगा सामान दे, तो जब तक बच्चा मेरे पास आएगा नहीं तब तक वो मेरे बारे में जानेगा नहीं जानेगा। लेकिन सामान का क्या है, सामान तो सामने देख करके भी सेटिस्फाई होता है। मोबाइल फोन लेने जाएंगे तो मोबाइल फोन दुकान पर क्या करते हैं देख करके सेटिस्फाइड होते हैं, या वहां पर माइंडसेट क्या होता है बदलता है क्या, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स आपको क्या अचीव करना, समझ में आया?
ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, आपको क्या अचीव करना है, आपके बिजनेस इंटरप्राइजेस का क्या टारगेट है, वही टारगेट क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिजल्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो कि प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से डिटरमाइंड किया। जैसे आप सोच रहे कि हमको प्लस टू में 400 नंबर लाना है, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करेंगे कि खाली अकाउंट पढ़ लेंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे, हो गया 400 नंबर आ गया, तो ये तो भाई कभी पॉसिबल। उसके लिए क्या है, पांचों पेपर पढ़ना पड़ेगा 500 मार्क्स का। जब पूरा दे के आएंगे तब कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है 400 प्लस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पसंद आया, चलिए आज देखते हैं हम लोग। कहता है ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड इन एवरी एरिया वेयर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स अफेक्ट द सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बिजनेस। प्रोस्पेरिटी का मतलब समझ रहे हैं सब लोग, बिजनेस के ग्रोथ करने का रेट, किस हिसाब से हम उसमें इनपुट दे रहे हैं और क्या आउटपुट आ रहा है, वो आपको बिजनेस में पता चल जाता है। क्या बिजनेस एक्टिविटी में आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या एफोर्ट है और आपको अचीव क्या हो रहा है, ये आपको बिजनेस रेट से क्या चलेगा पता चल जाएगा। सम ऑफ दिस एरियाज आर डिस्कार्ड बिलो। अब क्या क्या है, किस किस फील्ड में ऑब्जेक्टिव की जरूरत होती है, हम लोग एक दो डिफाइन करते हैं उसके बाद आगे। चलिए पहला है मार्केट स्टैंडिंग। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, मार्केट में खड़ा रहना पड़ता है, यानी मार्केट में स्टेबल रहना होता है, सर्वाइव करना होता है, ये पहला ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि मार्केट में कैसे खड़ा हो। जैसे अभी करंट एग्जाम्पल पर लेते हैं, बहुत सारे कॉमर्स के कोचिंग क्या है, बाजार तो होंगे हजार है, बाजार तो होंगे, बाजार है तो हजार कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा। तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लगभग जनरली क्या कर रहे हैं, वो अपना माथा पीट रहे कि कोरोना है, सब बंद हो गया, हम लोग घर में पैक है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सरकार खराब है, सब लोग अपना अपना दे रहे हैं। और हमने क्या किया, हमने सीए गुरुकुल को कन्वर्ट किया ई सीए गुरुकुल ना, सीए गुरुकुल को कन्वर्ट किया किसमें, ई सीए गुरुकुल में। यानी मार्केट में स्टैंड करने के लिए हम क्या हुए, थोड़े से डायनामिक हुए, यानी हमने बदलते हुए एनवायरमेंट को क्या किया, एक्सेप्ट किया, अपनाया कि अगर अभी ऑफलाइन में समस्या है, हम लोग ऑनलाइन वाला सिस्टम क्या कर सकते हैं, शुरू कर, और बहुत शानदार सफलता भी हम लोगों को मिल रहा है। क्या दिन ब दिन ग्रोथ हो ही रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हम लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस है मार्केट में। जैसे ही सब कुछ खुलेगा तो हम लोग ऑफलाइन में फिर से पुराने रूप में आएंगे क्या। लेकिन जो और इसी तरह के और इंस्टीट्यूट होंगे क्या, वो मार्केट में अभी टिकेंगे, उनको मार्केट में आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें, क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत पॉजिटिव में बढ़ रहे हैं, हम लोग रिकॉर्डेड भी दे रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रहे हैं और ऑफलाइन भी दे रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसके आसपास भी अभी क्या है नहीं, तो उनकी मार्केट स्टैंडिंग और किस ये गुरुकुल का मार्केट स्टैंडिंग, आप तुलना कर लीजिए कि कौन बेस्ट होगा। हम लोग बेस्ट होंगे, क्यों, क्योंकि हमको मार्केट में कैसे स्टेबल रहना है, इस ऑब्जेक्टिव पर हम काम कर। हम लोग भी सोच सकते थे, हम लोग भी छोड़ सकते थे, हम लोग देख कोरोना है सही में, सरकार ऑर्डर नहीं दिया है, हम लोग अपने घर में रहते हैं, आप लोग अपने घर में रहते, कोई किसी का ऑब्जेक्टिव यहाँ नहीं मिलता, हम लोग भी वो भीड़ में शामिल हो जाते ना। लेकिन अभी हम लोग भीड़ से क्या है, समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए इसको देख लेते हैं। द मार्केटिंग स्टैंडिंग रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस, पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस इन रिलेशन टू इट्स कंपटीटर्स, इसके साथ अपने कंपटीटर्स के साथ आपका क्या रिलेशन है, इसको बताता है क्या, मार्केट स्टैंडिंग, ये बताता है ना क्या। चलिए अब आते हैं, अब जैसे कि हरप्रीत का ही ले ले, तो हरप्रीत का भी दुकान है, उसके सामने कोई और किराना का दुकान है, तो उसने क्या किया, अब हरप्रीत के दुकान में सिस्टम है कि कोई आदमी जब सामान लेने जाएगा, जैसे आधा किलो चीनी लेना है, तो आधा किलो चीनी पहले तोला जाएगा फिर उसको देगा। सामने वाला एंटरप्राइजेस क्या किया, वो आधा किलो चीनी का पैकेट बना के रखा, कल आधा किलो चीनी लीजिए, 250 ग्राम लीजिए, तो उसने क्या किया, टाइम कंज्यूम था वो कम किया, तो आपके बिजनेस को क्या दे रहा है, कॉम्पिटिशन दे रहा नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, धरफरी में होते हैं। अब जैसे बरसात का सीजन है और आपको समोसा खाने का इच्छा है, तो आप गए और देखे कि कोई समोसा वाला अभी कढ़ाई में डाला ही क्या, तो मान के चलिए बरसात का सीजन है तो थोड़ा गर्म खाने का भी इच्छा होता है, तो थोड़ा देर आप वहां क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं न, ये स्वाद पर डिपेंड करता है, टेस्ट पर। लेकिन अगर नॉर्मल दिन है तो हम नहीं रुकेंगे, देखो उसके यहाँ निकला हुआ, उसी यहाँ से निकाल कर लाओ।
ये डिपेंड करता है किस पर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपटीटर्स के किस पर, वर्किंग स्ट्रक्चर पर, कि हमारा जो कंपटीटर वो कैसे काम कर रहा है और हम कैसे काम कर रहे हैं, इसके बेसिस पे आपका मार्केट मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होता है। क्लियर राधिका? ए बिजनेस इंटरप्राइजेज मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग कंपटीटिव प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स एंड सर्विंग देम टू देयर सेटिस्फैक्शन। यानी सेम सेम लेवल का भी अगर गुड्स आएगा और दो कंपनियां अगर दे रही है तो वो क्या करेगी, उस कैसा कंपटीटिव प्रोडक्ट को क्या करेगी, ऑफर करेगी, जिससे मार्केट में वो क्या हो, बरकरार रह सके। जैसे कि अभी सेल्फी वाला कैमरा सबका डिमांड, तो बहुत सारी कंपनियों का सेल्फी वाला कैमरा निकला है ना, तो ओप्पो कंपनी भी आई और उसने निकाला स्पेशल सेल्फी एक्सपर्ट फोन ना, पॉपअप कैमरा जो कैमरा निकलने वाला था। अब देखिए बहुत सारे मोबाइल कंपनियों ने जो ऊपर से कैमरा निकलता है वो बनाना शुरू कर दिया ना, ये कंपटीटर के साथ। और टेक्नोलॉजी वाला जो आइटम होता है वो बहुत सेंसेटिव होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, डायनामिक, लगातार अपडेट होते रहा। हमको पता चलेगा कि आज हम वो मोबाइल फोन खरीदे हैं और एक सप्ताह बाद पता चलेगा उसी के फीचर में कुछ चेंज हो गया क्या। अब जो कंपटीटर वाला बैठा हुआ है, लावा वाला या नोकिया वाला सैमसंग वाला, वो इसी फिराक में बैठा हुआ है कि इसका क्या छूटा हुआ है, कौन सा इसमें कमी है, क्या उस कमी को तुरंत पकड़ करके क्या किया, लॉन्च कर दिया। जैसे कि माइक्रोमैक्स कंपनी जब आई थी मार्केट में तो बैटरी के स्टैंडिंग पर उसका मार्केटिंग था, कि माइक्रोमैक्स का बैटरी बहुत चलता है और यही उसका मेन फीचर था क्या, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कम, जब एंड्रॉयड वर्जन आया था तो बैटरी कैपेसिटी बहुत कम थी, एक नोकिया ही था जो अपने पुराने गुडविल को बरकरार रखे हुआ था। लेकिन जैसे एंड्रॉयड का मार्केट आया तो बहुत सारी कंपनियों का जो बैटरी बैकअप था वो क्या था, बहुत कम था ना। तो इस दौरान माइक्रोमैक्स का को लगा क्या कि एगो यही ऐसा कमजोरी है मार्केट में जिसको पकड़ करके क्या कर सकते हैं। या अभी आप करंट दौर में ले लीजिए, टिकटॉक बैन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से ना, तो टिकटॉक बैन हुआ तो ये किसी किसी एप्लीकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी था। अब जैसे देखिए बहुत सारा एप्लीकेशन है जैसे रॉक्सो, तो नीचे लिखता है इंडिया का अपना है, तो ये उस सिचुएशन का फायदा उठा रहा कि अभी चीनी वाला कोई आइटम होगा तो हम लोग अभी देशभक्ति से भरे हुए हैं कि चीनी सामान इसका एकदम बहिष्कार हो, कुछ नहीं देखेंगे। तो ये दूसरे कंपनियों के लिए क्या है, अवसर, दूसरे कंपटीटर्स के लिए क्या है, अवसर है। तो बहुत सारा एप्लीकेशन निकल गया, इंडिया का अपना ऐप, पहला देसी ऐप, भारत का अपना ये ऐप है, तो देखिए वो सब ग्रोथ कर रहा है क्या, मिलियन मिलियन में उसका डाउनलोड जा रहा है। तो मार्केट स्टैंडिंग यही होता है ना, कि अपने कंपटीटर के हिसाब से आप कहां खड़े हैं ये आपके मार्केटिंग स्टैंडिंग को क्या करता है, बताता है। और ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कि अपने अदर कंपटीटर्स के मुकाबले उसका जो मार्केटिंग स्ट्रेंथ हो क्या हो, मजबूत। इतना तक समझ में आया? चलिए अब किसी को कोई कुछ पूछना है, नितिन, अक्षय और शालिनी? कोई दिक्कत? थोड़ा जोर से बोलिए, कोई एक बताइए बेनिफिट प्रॉफिट अर्न करने का। सालनी, कोई एक प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट अर्न करने का कोई एक बताइए, काउस कारण क्यों प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है। सर, क्योंकि उससे बिजनेसमैन का इनकम होता है। क्या होता है, उनको बोलने दीजिए, बिजनेसमैन का वो इनकम होता है। हाँ क्या, अरे अनसर्टेनिटीज के लिए बिजनेस तो टोटल रिस्क पर डिपेंड, हायर द रिस्क हायर द, तो बिजनेस में बहुत सारा रिस्क आ सकता है। जब प्रॉफिट नहीं अर्न होगा तो उस रिस्क सबसे कैसे मुकाबला करें क्या, नेचुरल काउज भी। आगे का जो टॉपिक हमारा बिजनेस रिस्क ही है, आपको वही पता चलेगा कि किसी रिस्क से बचने के लिए प्रॉफिट अर्न करना कितना जरूरी है। जो प्रॉफिट अर्न करेगा वही उस रिस्क को बियर कर सकता है, जो प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा वो क्या, क्या कोई दिक्कत? चलिए हो गया, आज का एपिसोड खत्म करें। चलिए, अच्छा लगे तो दूसरों को बताइए और खराब लगे तो हमको बताइए। आज का एपिसोड हम लोग यहीं खत्म करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।